कुलदीप साउथ अपने फील्ड के लिए सदर में साकिब स्पोर्ट बैटिंग की तैयारी करें। 10 ओवर पर मुश्किल ये मैच पहला मुकाबला स्पोर्ट्स ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है, जिनमें उनके साथ बड़े बड़े नाम सईद मसूद, आसिफ मसूद, हुसैन। GPL एडिशन नंबर 8 जो कि ऑर्गेनाइज किया है एक बार फिर अकरम गबोल ने, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अकरम गबोल बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं GPL के नाम से, और एक बहुत ही मेहनत कश इंसान अकरम गबोल, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। यंग टैलेंट को उभारते हैं, सीनियर्स को मौका देते हैं, दोनों के लिए जूनियर लीग करवाते हैं GPL, सीनियर लीग कराते हैं GPL की, तो इनमें ये सबको मौका देते हैं, सब प्लेयर्स को मौका देते हैं कि क्रिकेट खेलें, एंजॉयमेंट करें, फिटनेस में रहें। तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मैच कौन विन करता है। तो साकिब स्पोर्ट्स ने इस वक्त टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला, कोहिस्तान स्पोर्ट्स ने पहले टॉस जीतकर। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद जोको जोकियो, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? और साथ साथ 10 ओवर के इस मैच में एक सुपर बॉल होगा जिसमें सभी रन आउट होंगे, यानी छक्का लगेगा 12 रन, चौका लगेगा 4 रन, डबल सिंगल बनेगा तो 2, डबल बना तो 4, और साथ साथ अगर आउट हो गया खिलाने खासकर से फिर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों बैट्समैन आउट होंगे सुपर बॉल पर, तो लोग वो रन आउट हो या कैच आउट हो या गोल हो, सुपर बॉल पे किसी भी तरह अगर बैट्समैन आउट हुआ तो फिर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों आउट हो जाएंगे और फ्री हिट पर सुपर बॉल नहीं ले सकते। और साथ साथ एम्पायर का फैसला आखिरी और हकमी होगा, एम्पायर के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी करने पर प्लेयर के ऊपर 2,000 रुपए का फाइन या कोई मैच की पाबंदी होगी। तो तमाम दोनों टीमों के कप्तान और बगैर बल्ले के कोई भी प्लेयर ग्राउंड के अंदर गया तो उसके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन होगा, फाइन करने की स्लिप में फिर उसके ऊपर एक मैच की पाबंदी होगी। तो दोनों कप्तान नगर बड़े में ग्राउंड जाए एक बार नहीं 10 बार जाए 100 बार जाए जो भी होगा उसके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन। जी बिल्कुल, GPL एडिशन नंबर 8 का आगाज़ होने जा रहा है इस वक्त, देखते हैं कि कौन बनते हैं इस इवेंट के विनर। वो तो तकरीबन चंद दिनों में ही पता चल जाएगा, जो कि हुसैन भाई इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं 555 की शर्ट पहनकर। तो बिल्कुल ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको GPL के चेयरमैन अकरम भाई ने बता दिए हैं। काफी तगड़ा मुकाबला बिलावल भुट्टो सरदार स्टेडियम में शुरू होने को है। लाइव ये इस मैच को कबूल के पेज पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। अकरम भाई कबूल की गौरवान स्पोर्ट्स इस वक्त लाइव की कवरेज जो दे रहे हैं गबोल किंग और खान स्पोर्ट्स के पेज पर, लाइव चल रहा है ये मैच। जी मुजाहिद भाई, पूरा टूर्नामेंट ही इसी ग्राउंड में होगा, पूरे टूर्नामेंट जो है इसी ग्राउंड में कराने का फैसला लिया है अकरम भाई ने। हुसैन भाई, हरी अमित के साथ कौन आ रहा है?
इस वक्त कराची का उभरता हुआ नाम कारी हमीदुल्ला ग्राउंड पर आ चुके हैं, उनका साथ देने के लिए आए रजा। कारी हमीदुल्ला जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सिंध की सरजमीन पर खेलते हैं, पंजाब की सरजमीन पर खेलते हैं, केपीके की सरजमीन पर खेलते हैं, बलोचिस्तान की सरजमीन पर खेलते हैं, यानी कि एक उभरता हुआ नाम है कराची का कारी हमीदुल्ला। कारी हमीदुल्ला बहुत ही पावरफुल हिटर है, एमपीएल एडिशन खेलने आते हैं, जीपीएल एडिशन खेलने आते हैं, इस वक्त साकिब स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं कारी हमीदुल्ला, जबकि बहुत ही अच्छे बैट्समैन अकरम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम भाई इस दफा आपकी ये जो लीग है इसमें थोड़ा सा आपने काफी डिफरेंस किया है, ये जो हमारे पूरे सिंध में पाकिस्तान में जो स्टार खेलते हैं, आपने हर टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि पूरे पाकिस्तान के कमीज से भी स्टार आप ला सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल असलम भाई, तो क्योंकि अगर आप देखा जाए बल फटाक की क्रिकेट और अगर आज कराची की क्रिकेट को देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर हमारे गदाब के प्लेयर आज कराची के प्लेयर के साथ यहाँ पर खेलेंगे तो फारूक भाई को हम वेलकम कहते हैं, तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनके हौसले बुलंद होंगे। इसी वजह से हमने इस बार हर टीम में हर कप्तान को ये चॉइस दिया है कि वो अपनी टीम में थंडर के बल्ले से खेलते हैं कारी हमीदुल्ला, जबकि अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है मैच, कुछ ही देर में स्टार्ट होगा मैच। सात सीजन में बिल्कुल गेस्ट प्लेयर अलाउड होंगे, इस बार सीजन कवायद और जवाबित की बात करते जाए तो अकरम गबोल इस चीज़ में बहुत सख्त हैं, बहुत सख्ती से देखते हैं कानून और जवाबित जो हैं, बहुत ही सख्ती से देखते हैं, इस बात पर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी सबको। इसलिए होना चाहिए कि लड़कों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा, वो क्रिकेट सीखेंगे, बड़े खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो बस वाले टेम्परामेंट हाई होगा, उनको पता चलेगा कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उनको पता चलेगा कि मैच की सिचुएशन को कैसे बदलना है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जब तक आप कराची के जैसे पंजाब में बड़े बड़े स्टार्स खेलते हैं, उनका टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, तो ये आपने एक अच्छी रिवायत मेरे ख्याल में बरकरार की है। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे बड़े सीनियर एक कारी हमीदुल्ला सामना करेंगे आसिफ मलिंगा का, जो कि कराची का उभरता हुआ नाम है, जो कि कराची से खेलते हैं और आल पाकिस्तान खेल चुके हैं। आसिफ मलिंगा भी जो कि बहुत ही तेज बॉलर है, एक मिड विकेट के ऊपर है, बाकी सर्कल के अंदर पावर प्ले के तीन ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि सुपर बॉल भी मौजूद है, वो कहीं भी कप्तान है बल्लेबाजी करने वाला कप्तान ले सकते हैं। आज के दो बड़े सीनियर इंपॉर्टेंट इस मैच को कवर कर रहे हैं। आसिफ मलिंगा अपने स्टार्ट पर तैयार, सामना करेंगे कारी हमीदुल्ला, देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है, कारी हमीदुल्ला आसिफ पर भारी पड़ते हैं या आसिफ कारी हमीद पर भारी पड़ते हैं। जेपीएल सीजन नंबर 8 की पहली बॉल होने जा रही है, एम्पायर की बॉल, आसिफ भाई साइड बहुत पीछे आ गए, चल यार कारी सुपर बॉल के ऊपर आना ये एम्पायर ने प्ले किया जीपीएल सीजन नंबर 8 की
पहली गेंद करने के लिए आसिफ मलिंगा एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, एम्पायर का इशारा कि वाइड बॉल। कारी हमीदुल्ला ने इस गेंद को देखते हुए बिल्कुल छोड़ दिया, पीछे गई गेंद, विकेट कीपर हुसैन के हाथों में सेफ हुई। पहली जीपीएल सीजन नंबर 8 की पहली ही गेंद वाइड हो चुकी है। अब जबकि दोबारा पहली गेंद का आना बाकी, देखते हैं कि पहली गेंद पर कारी हमीदुल्ला क्या करते हैं या आसिफ क्या करके दिखाते हैं, बॉल करते हैं, छक्का लगाते हैं, क्या करते हैं। आसिफ एक बार फिर आए दौड़ने, स्टार्ट गेम पार को क्रॉस किया और बेहतरीन स्ट्रोक। तारू बेंगल स्टेडियम का पहला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्ला। जबकि स्टेप की नो बॉल करार दी गई है, बॉल एक बॉल पर 8 रन आ चुके हैं, 0 बॉल पर 8 रन आ चुके हैं। इस वक्त तक कारी हमीदुल्ला ने पहली गेंद को बाहर भेज दिया, नो बॉल दी जो कि 0 गेंद पर 8 स्कोर आ चुके हैं इस वक्त तक। पहला मैक्सिमम जीपीएल एडिशन नंबर 8 का पहला छक्का लगाने में कारी हमीदुल्ला कामयाब हुए। आसिफ मलिंगा एक बार फिर आए दौड़ने, स्टार्ट गेम पार को क्रॉस किया और बहुत ही उम्दा गेंद गुफरान लाला ने जिसको फील्ड किया और इस गेंद पर यकीनन सिंगल मिला कारी हमीदुल्ला का। 2 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं इस वक्त तक, मजीद 4 गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। देखते हैं कि आसिफ मजीद 4 गेंदे किस तरह करते हैं। अब कामना करेंगे रजा आसिफ का। बेहतरीन बल्लेबाज है कि जब ये विकेट पे ठहरते हैं फिर गेंदबाजों को छोड़ते नहीं है। आसिफ एक बार फिर आए बोलने, स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही तेज गेंद, डेंजर जगह पे रजा को लग चुकी है गेंद, क्योंकि रजा अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, सारे प्लेयर रजा के पास आए। टीम के भी खिलाड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में काफी शदीद तकलीफ महसूस कर रहे हैं। बहुत ही तेज गेंद थी जिसको रजा बिल्कुल ही समझ ना सके, टांगों के बीच में आके इनको गेंद लगी। कारी हमीदुल्ला उनके पास गए, उनको समझा रहे हैं, उनको थोड़ी एक्सरसाइज करा रहे हैं। बल्ले के साथ बिल्कुल जाना पानी लेके, वरना तो फिर जुर्माना लग सकता है। दो गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। टोल नदी विस्तल बस्त है। पानी यकीन बारहवीं खिलाड़ी ने पानी के लिए तैयार है, बिल्कुल ये अच्छी चीज है कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हालांकि बल टीम ना बया हुआ है, पहले अमर का खेल इस पर जा रही है। दोस्तान स्पोर्ट्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यकीनन गुफरान लाला ने टॉस जीतकर, कोहिस्तान स्पोर्ट्स के कैप्टन है गुफरान लाला ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। यकीनन कुछ सोच समझ कर उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया होगा। दो गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। रजा देखते हैं कि अब जवाब कैसा देंगे। पहली गेंद तो रजा को आगे हिट हुई और समझने में नाकाम हुए। अब देखते हैं कि दूसरी गेंद पर रजा क्या करके दिखाते हैं। आसिफ अपने लाइनअप पर तैयार, सामना करेंगे रजा। आसिफ आए दौड़ना, स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद जिसको लेग स्टंप पर खेल दिया। यकीनन फील्डर गेंद के पीछे सईद मसूद ने फील्डिंग की, यकीनन 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए सईद मसूद ने, जो कि बेहतरीन फील्डिंग की। इस वक्त 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके हैं, जो कि पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद नो बॉल छक्का, फिर पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे उनको लगी रजा को, तीसरी गेंद पर सिंगल। यकीनन इस वक्त तक 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके हैं, मजीद 3 गेंदों का आना बाकी। देखते हैं 3 गेंदों में कारी हमीद कितने मैक्सिमम लगाने में कामयाब होते हैं। आसिफ मसूद एक बार फिर आए दौड़ना, स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और उम्दा स्लोवन की, एम्पायर का इशारा के वाइड बॉल। और सबसे बड़ी खुशाई बात मेंगल बरादरी के, जिन्होंने हमें ग्राउंड फ्री, हमें ये
के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तादाद के मुश्तक है मंगल बरादरी जो क्रिकेट के लिए सोचते हैं या खिलाड़ी के लिए सोचते हैं। आसिफ एक बार फिर आए दौड़ना, स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, उससे भी बेहतरीन शॉट खेलने में कामयाब हुए। वन बाउंस के बाद चार रन मिलेंगे यकीनन, 16 रन हो चुके हैं इस वक्त के साथ। अभी तक पहले जारी है, जैसे ओवर एक काम होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। और यकीनन जैसे कमेंटेटर ने कहा कि मैंगल खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अक्रम गबोल को ये ग्राउंड खेलने के लिए दिया है। इवेंट अच्छी, इस ग्राउंड से ये इवेंट बहुत ही अच्छा हो चुका है। आसिफ मलिंगा एक बार फिर अपने स्टार्ट पर तैयार, कारी अमीदुल्ला करेंगे सामना। आसिफ आए दोनों स्टार्ट, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद जिसको कारी अमीदुल्ला, बहुत ही बढ़िया खेले, बहुत ही अच्छी शॉट खेली है। मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए। इस ओवर में दो मैक्सिमम लॉन्च हुए हैं, जो कि एक नो बॉल पे लॉन्च हुआ था और एक आखिरी गेंद पर लॉन्च हुआ है। यकीनन 22 से 23 रन बन चुके हैं। पूछते हैं कि स्कोर क्या हो चुका है। पहले ओवर में 21 रन ले चुकी है साकिब स्पोर्ट्स। अगर इसी तरीके से रन लेती रही 10 ओवर पर मुश्तमिल गेम तो यकीनन 200 रन बन जाएंगे। अब देखते हैं कि मजीद 9 ओवर का आना बाकी, 9 ओवर में कितने रन जोड़ पाते हैं 21 रन के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोशल मीडिया पे पेज आई स्पोर्ट्स आई जाफरानी के नाम से मेरे ख्याल में इनका पेज है, जो आप विजिट करते हैं। बेहतरीन साथी है, हक सच की आवाज, ना किसी के सामने झुके, ना किसी को झुकने दिया, ना कभी डरे। 21 रन से और मेरे को बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, कभी गम नहीं देखा, क्योंकि इसकी खासियत है जाफरानी की। ये जी बिल्कुल, इस वक्त इम्तियाज जाकरानी की तारीफ हो रही है। ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं, मेहमान खसूसी हैं आज के इम्तियाज जाकरानी। अब जो के कमेंट्री कर रहे हैं फारूक सीनियर, जो के तजुर्बेकार कमेंट्रेटर भी हैं। सैन भाई सैफुल्ला को दी गई है बॉलिंग की जिम्मेदारी, जो कि आल कराची खेलते हैं, बहुत ही टॉप क्लास के बॉलर हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सैफुल्ला सामना करेंगे उनका रजा। सैफुल्ला अपने लाइनअप पर तैयार, जबकि एक ओवर में 21 रन बटोरे हैं साकिब स्पोर्ट्स ने, जिसमें दो मैक्सिमम और एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्ला। बिल्कुल यार, इस इवेंट में जिसके भी नाम आए हैं तो यकीनन फुल ब्लैक ट्राउजर होना चाहिए। जिसका ब्लैक ट्राउजर नहीं होगा तो वो ग्राउंड में खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी टीम के साथ टीम की मदद नहीं कर पाएंगे। तो चल के थोड़ी आगे खड़ा रहे, मत गिर जाएगा, इधर कौन रोक, इधर कोई रन आउट नहीं करना दे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है गुलशन मेहमान की बहुत बड़ी आवाज और अंतरा मंजरा भी आ चुके हैं यहाँ पे, एक बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। स्पोर्ट्स हमारे साथ सीजी ट्रॉफी की सरे आए के प्रेसिडेंट टीम ऑफ सरे हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। सैफुल्ला अपने लाइन अप पर तैयार, सामना करेंगे रजा। सैफुल्ला आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया
था और यकीनन स्लो वन डिलीवरी की थी जिसको बिल्कुल ही रजा समझ ना सके। लेग स्टंप पर लॉन्च करना चाहते थे, बिल्कुल बीट हुए रजा। सैफुल्ला की इस गेंद को बिल्कुल ही ना समझ सके। क्रिकेट में किसकी गिलियां हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अंग्रेजों ने इस खेल को बनाया था 1800 के आसपास, फिर ये खेल ऐसा चला कि आज पूरी दुनिया में खेला जाता है। ये भी बताऊंगा आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद इसको हुसैन समझ ना सके। गेंद बैठी बाय के चार रन मिलेंगे, बाय के चार रन मिले, दो गेंदों पर चार रन आए। रजा इस गेंद को बिल्कुल ही समझ ना सके, दूसरी गेंद थी जो कि रजा ना समझ सके। सैफुल्ला को अब यकीनन तीसरी गेंद का आना बाकी। सैफुल्ला एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही बेहतरीन गेंद। एम्पायर का इशारा यकीनन वाइड बॉल, दो गेंदों पर एक रन आ चुका है। एक रन के साथ बढ़ते हुए 22 रन हो चुके हैं। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ और सिर्फ अक्रम गबोल का बहुत ही बड़ा हाथ, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन इवेंट सजा के देते हैं क्रिकेटर्स को। एक बार फिर सैफुल्ला अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद। उसी के डाउन द ग्राउंड शॉट खेला, फील्डर गेंद के पीछे यकीनन देखना पड़ेगा और यकीनन अपनी टीम के लिए दो रन बचाने में कामयाब हुए मक्सी। दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 हो चुका है। इस ओवर में तीन रन आए तीन गेंदों पर। चौथी गेंद के लिए तैयार सैफुल्ला, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर डालने में कामयाब, तेज यॉर्कर डालने में कामयाब। रजा इस गेंद को बिल्कुल ही समझ ना सके, रोकना चाहते थे उनके शूज पर लगी। यकीनन अगर LBW का आउट होता तो यकीनन ये आउट होता है। यहाँ पे चार गेंदों पर तीन रन दिए, तीन रन के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन हो चुका है। पांचवी गेंद के लिए तैयार सैफुल्ला, सामना करेंगे रसा। सैफुल्ला आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और सर के ऊपर से यकीनन एम्पायर का इशारा के वाइड बॉल। तो चार रन आ चुके हैं चार गेंदों पर। बल्लेबाजों की साझेदारी बड़ी है, खासतौर पर हमीद जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, क्लासिक खेलते हैं, बहुत बड़ा नाम है कराची का, टेबल के स्टार बल्लेबाज साकिब स्पोर्ट्स जो कि कराची का बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बेहतरीन नाम साकिब स्पोर्ट्स। सोच की अच्छी गेंद को सीमा के बाहर ही फेंकने की क्षमता रखते हैं। सैफुल्ला एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, उससे भी बेहतरीन डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने में कामयाब हुए। यकीनन एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कारी अमित ने मना किया कि एक ही रन लेंगे। पांच गेंदों पर पांच रन आ चुके हैं, पांच रन के साथ मजमुई स्कोर 26 हो चुका है 1.5 बॉलों में। बल्लेबाज अपने जौहर दिखाने के लिए बेताब है, देखने में गेंद की तरफ जाती है, देखते हैं कि बल्लेबाज अपने जौहर दिखाते हैं या गेंदबाज अपने जौहर दिखाते हैं। सैफुल्ला आखिरी गेंद के लिए तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, हो कारी अमीदुल्ला के सामने यकीनन वाइड बॉल हुई, चौका रोकने में कामयाब हुए। कारी अमीदुल्ला दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, रजा ने किया उनको मना।
बाय के मिलेंगे। एक बाय का स्कोर, एक बाय का यकीनन 7 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर। 17 तारीख को टेस्ट मैच खेला जाएगा, 2 टेस्ट मैच की सीरीज। ये टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस होंगे, इससे पहले टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुई थी, इंडिया को धूल चटाई थी। एक बार फिर सैफुल्ला आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन शॉट, यकीनन मैक्सिमम आया इस गेंद पर। रजा ने खरी गेंद पर मैक्सिमम मारने में कामयाब हुए। तारू मेंगल स्टेडियम में ये टूर्नामेंट है जारी, तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन हो चुके हैं, 13 रन आए इस ओवर में। देखिए आपको मैं बात बात बताऊं कि रूसी की ओनली एंटरटेनमेंट है। स्कोर 38 लूज ऑफ एनी विकेट्स। दो ओवर के अख्तिताम पर 38 स्कोर हो चुका है, किसी विकेट का नुकसान नहीं उठाना पड़ा साकिब स्पोर्ट को। कारी हमीद और रजा स्ट्राइक पर मौजूद हैं, दो ओवर में 38 रन लेने में कामयाब हुए। आखिरी ओवर है पावर प्ले का, देखते हैं कि इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं साकिब स्पोर्ट। सईद मसूद को इस वक्त बॉलिंग की जिम्मेदारी दी गई है, तीसरे ओवर का, तीसरे ओवर के लिए आए, अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर कराने के लिए आए सईद मसूद। जो आपको याद होगा आप एक्सपीरियंस है, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, उर्दू 5 ओवर आते थे, बड़ा मजा आता था। 2011-2012 में हिंदी कमेंट्री जैसे आई तो हिंदी कमेंट्री भी छा गई है, तो आजकल कमेंट्री में भी एंटरटेनमेंट काफी ज्यादा है। सईद मसूद पहली गेंद टॉट कराने में कामयाब हुए कारी हमीद को। अच्छी जगह पर और कोई ज्यादा नहीं, सईद मसूद एक बार फिर आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा कि वाइड गेंद, एक गेंद पर 1 रन आ चुका है इस वक्त। इसके साथ मैदान का मैच साकिब स्पोर्ट्स के ओनर साकिब भाई ने ऐलान किया कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे इस मैच में, इसी मैच में मैदान का मैच का अवार्ड 5,000 रुपए दिए जाएगा जी। बिल्कुल अक्रम भाई ऐसा ही है ना, साकिब स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है यहाँ पे कि इस साकिब स्पोर्ट्स में जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा 5,000 का इनाम उनको मिलेगा। सईद मसूद 3 एक्स्ट्रास कराए और यकीनन देखना पड़ेगा अनवर गेंद के नीचे, यकीनन अपनी टीम के लिए 3-2 रन बचाने में कामयाब हुए अनवर पठान। कारी हमीदुल्ला इस गेंद को बिल्कुल ही समझ ना सके, लेग स्टंप की जानिब खेला पर अनवर पठान की बहुत ही उम्दा फील्डिंग 2 रन बचाने में कामयाब हुई कोहिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। कारी हमीद से पावरफुल हिटिंग करने की सईद मसूद एक बार फिर आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही लंबा छक्का जिसको ग्राउंड से बाहर भेज दिया है कारी हमीदुल्ला ने, बहुत ही बड़ा मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्ला। इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं कारी हमीदुल्ला, बड़े बड़े छक्के, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाने में कामयाब होते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं। सईद मसूद एक बार फिर आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन बड़ी मछली को अपने जाल में
फंसा लिया एक छक्का खाने के बाद कारी हमीदुल्ला पवेलियन की तरफ वापस, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा साकिब स्पोर्ट्स को कारी हमीदुल्ला की सूरत में। लेकिन कारी ने अपने काम जरूर किया, तीन से छक्के जड़े बहुत ही बढ़िया आगाज किया, तीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए थे यहाँ कारी हमीदुल्ला पर शहीद मसूद। एक बड़ी मछली को अपने शिकार किया, एक बहुत ही बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और पवेलियन की तरफ वापस जाने पर मजबूर किया। क्लीन बोल्ड किया कारी हमीदुल्ला को और कारी हमीदुल्ला इस वक्त पवेलियन की तरफ जाते हुए यकीनन नए आने वाले बैट्समैन कौन होंगे कुछ ही देर में आपको बताएंगे। सैन भाई सैन भाई 1996 करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कारी हमीदुल्ला की जगह खेलने आए ऑल कराची खेलते हैं बकरेन लेफ्टी। देखते हैं कि आज जीपीएल एडिशन नंबर 8 में किस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाते हैं बकरेन, क्योंकि ये मैच जारी दारू मैंगल स्टेडियम में। सईद मसूद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और डाउन द ग्रांड शॉट खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, यकीनन फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद तक। यकीनन तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए अनवर पठान ने। और हमारे साथी कमेंटेटर असद भाई जो है वो असद भाई की तरफ भी रिव्यू की सही कर रहे हैं गाइस, अब थोड़ा सा एक दो दो तीन चार गेंदों के लिए असद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सईद मसूद की जानिब से और इख्तिताम पजीर हुआ। स्कोर लिख रहे हो ना, स्कोर नहीं, 3 ओवर के इख्तिताम पर 39 रन हो चुके हैं, जो कि पावर प्ले यहाँ खत्म हो चुका है, बैटिंग पावर प्ले था खत्म हो चुका है, यानी कि सर्कल खुलेगा 7 ओवर का मजीद आना बाकी। 3 ओवर के इख्तिताम पर 39 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन कारी हमीदुल्ला। आसिफ मसूद अपने मोटे का दूसरा ओवर और मैच का चौथा ओवर कराने के लिए आए आसिफ मसूद। बकरेन खेलेंगे, बकरेन करेंगे सामना आसिफ, आए दौड़ना स्टार्ट किया
50 रन मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत आसिफ मसूद हुसैन से कह रहे हैं कि थोड़ी तगड़ी कीपिंग करनी होगी आपको, यकीनन एक्स्ट्रास बचाने होंगे। और यकीनन जीपीएल में सुपर बॉल भी आपको देखने को मिलेगी, सुपर बॉल खासियत आपको बताते चले में। आसिफ का भी सामना करेंगे रजा, अगर 22 बॉल होती है तो सुपर बॉल बरकरार रहेगी, 9 बॉल होती है तो भी सुपर बॉल बरकरार रहेगी। आसिफ पठान रजा का बॉल करेंगे आसिफ आए दौड़ने स्टार्ट किया, फायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, उसको बिल्कुल ही समझ ना सके रजा। आसिफ को इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, पहले गए पहले ओवर में 21 रन दिए थे आसिफ मसूद ने रजा। आसिफ करेंगे सामना, आसिफ आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, उससे ही बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा। बहुत ही बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा, अपनी इनिंग का पहला मैक्सिमम लॉन्च किया है यहाँ पे रजा ने। आसिफ एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और बेहतरीन डाउन द ग्राउंड शॉट, यकीनन 4 रन मिले यहाँ पे जिसको सईद मसूद बिल्कुल ही समझ ना सके, जिस गेंद को सीधी गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। आसिफ एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार एक और मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा। यहाँ पर आसिफ को बहुत ही बेहतरीन गेंद को देखते रहे सईद मसूद, उनके सर के ऊपर से गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। दूसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ पठान के सामने रजा का जाने से इस वक्त जारी स्पोर्ट्स के लिए आसिफ एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही बेहतरीन गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके, 1 रन लेने में कामयाब हुए, रन आउट मिस किया हुसैन ने, अगर हिट हो जाते यकीनन। रजा की पैर पर शायद खुद के ही पैर पर बल्ला मार चुके हैं रजा, जिनको शदीद तकलीफ हो रही है लेफ्ट हैंड पैर पर, उन्होंने शायद बल्ला मार दिया है। साकिब इस पोस्ट के बल्लेबाजी ने दिया, इससे पहले हमीद ने बहुत ही बढ़िया आगाज किया, उसके बाद रजा शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक गेंद से जीबी ने भी एक जरूर चौका या एक शॉट जरूर मारा है। मशहूर हो रहे हैं हमें अभी अभी ज्वाइन किया है इस टीम को सादिक कबूल ने, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी लाजवाब बल्लेबाज है, आज इनके भी जलवे यहाँ पे दर्शकों को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा दर्शक आएंगे इस ग्राउंड में, क्योंकि इस ग्राउंड की ये खासियत है ग्रासिक ग्राउंड और वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन हिस्ट्री ऑफ मेमार क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है लाजवाब, इनकी 2 विकेट बनी हुई है, 8 विकेट की बनी हुई है, एक
टेप बॉल की विकेट बनी हुई है। बॉलिंग के लिए आया है असद के हाथ में है गेंद। असद असदुल्ला असद ताचे लोग बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लाजवाब बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। बाया के दाया के गेंदबाजी करते हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी डालते हैं। देखना पड़ेगा कि ये दोनों बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी करते हैं। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा खेल में थोड़ा सा तब्दीली आती जाएगी। क्या समझते हैं भारत भाई के कितना लक्ष्य बनेगा? चार ओवर में 68 रन बन चुके हैं अकरम भाई। अभी भी काफी लंबी बल्लेबाजी पीछे इस कोच की। जिधर है चार ओवर के अख्तिताम पर 68 स्कोर हो चुके हैं इस वक्त। इस ओवर के साथ जुड़ेंगे, कमेंट्री करेंगे आपके साथ। अकरम गबोल खुद आए इस ओवर के लिए, आपसे कमेंट्री करेंगे, थोड़ा आपको टूर्नामेंट के हवाले से बताएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अगला मैच किसका होगा भाई? आज एक ही मैच है। इस मरतबा एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, तो स्कोर पहुंचा है 70-69 पर। कौन सा ओवर चल रहा है? पांचवा ओवर जारी है। साकिब स्पोर्ट वर्सेस कोहिस्तान स्पोर्ट्स के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी। असद बॉल करेंगे, रजा को इस मरतबा खेल दिया, फील्डर देखते रह जाएंगे, बॉल बाउंड्री लाइन की जानेब और मिस फील्डिंग। चार रन, तो चौका मिलेगा यहाँ पर, बेहतरीन शॉट। रजा यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं, उनके पाँव से खून इस वक्त बहता हुआ, बल्ला लगा है उनके पाँव पर, तो अब काफी तकलीफ में, लेकिन उसके बावजूद रजा बैटिंग कर रहे हैं साकिब स्पोर्ट्स के लिए। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। अगला मैच किस ग्राउंड पे स्टार्ट होगा भाई? इसी ग्राउंड में पूरा टूर्नामेंट होगा। असद एक मरतबा फिर बॉल करेंगे, रजा को राइट आर्म राउंड विकेट, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। तो दो बॉलों पर अब तक एक बॉल पर 6 रन आ चुके, 2 वाइड 1 चौका, तो एक बेहतरीन मुकाबला। हम साकिब स्पोर्ट्स के भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं साकिब भाई का, जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट के लिए। हमें 50,000 रुपए कैश, जबकि 2 विकेट हमें स्पॉन्सर किए साकिब स्पोर्ट्स के ओनर, साकिब भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ तमाम सपोर्टर मैंगल ब्रादरी का, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए ये ग्राउंड प्रोवाइड किया है। और इस मरतबा फाइनल लेग पर खेल दिया, अमीर अली मौजूद है, 1 रन मिलेगा। जूनियर लीग खेली जाएगी, जिसमें जाखवानी किंग और उसके साथ साथ एक मरतबा फिर बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। असद सामना करेंगे जेबी, इसका नाम क्या, बैट्समैन फखरैन, फखरैन लेफ्टी। अब तक देखना पड़ेगा, फखरैन बॉलिंग के निशान पर तैयार, और यहां पर अच्छी बॉल असद की जानिब से, और यहाँ पर बल्ला चेंज करने का कहा है, शायद शॉर्ट पिच बॉल था जिसे हिट करना चाहते थे, लेकिन आखिरी लम्हात में यहाँ पर बल्ले को रोका है। एक मरतबा वन, एक मरतबा फिर, ओ एम्पायर का इशारा, देखना पड़ेगा। डॉट बॉल असद का बेहतरीन कमबैक, 1 चौका और 2 वाइड के बाद बेहतरीन कमबैक। वंस अगेन एक मरतबा फिर बॉल करेंगे, सामना करेंगे, और यहाँ पर फखरैन लेफ्टी आउट हो जाएंगे। और दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ेगा फखरैन की सूरत में साकिब स्पोर्ट्स को, जो के बहुत ही अच्छे टारगेट सजाने के लिए रन्स बना रही थी साकिब स्पोर्ट्स, जो कि दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। अब वो खुद आए गबोल गोट की जान और शान, जावेद जंगी, जो कि किसी तारीफ के मोहताज ने शेरवानी स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं, और इस वक्त साकिब स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि कैप्टन भी है जावेद जंगी, जो कि खुद ही ग्राउंड पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए, नंबर 4 नंबर की बैटिंग करने आए हैं। और वसीम अकरम से बड़ी मोहब्बत करते हैं जावेद जंगी, और जंगी जावेद भाई
भाई भी कहते हैं, जग्गी भी कहते हैं, बहुत ही असर आप बताएंगे इसमें रोशनी डाले आप इसके पीछे का हाथ है असलम भाई जी बिल्कुल जावेद जंगी की कहानी आपको कमेंटेटर बताएंगे। और इस स्पोर्ट्स की हड्डी माने जाते हैं, काफी जिम्मेदारी जंगी के कांधों पर। और असल भाई हमने पहली बार इनको एक्शन में देख रहा हूँ, लेकिन उमूमन ये जो पीछे टीम को सपोर्ट करते हैं, मैंने तो बल्ला हाथ में देखा नहीं, बल्लेबाजी करते हैं और इनकी बल्लेबाजी में हिंदी का तरकारी जरूर में लगा हुआ। इधर आमिर अली, इधर जावेद जंगी, कौन सीधा खड़ा इधर हो मेरे साथ, तो आगे भी दीदी के साथ खेले हैं और उसके साथ टेबल क्रिकेट में भी बहुत इवेंट में साथ खेले हैं, लेकिन क्रिकेट की ऐसी चीजें जावेद जंगी और डाउन द ग्राउंड शॉट खेला, यकीनन रजा को खिलाना चाहते हैं, वो खुद उन्होंने अभी जिम्मेदारी संभाली है। ओवर का इख्तिताम हुआ यहाँ पर, बिल्कुल 5 ओवर में 77 रन बना डाले हैं, 2 बल्लेबाज, 5 ओवर के अख्तितम पर 77 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर साकिब स्पोर्ट्स जो के बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। कोहिस्तान स्पोर्ट ने 5 ओवर में सिर्फ 77 रन आए जबकि 2 ओवर में सिर्फ 40 रन लग चुके थे और 3 ओवर में 30 रन दिए इन्होंने, टोटल जोड़े तो 77 रन बनाए हैं साकिब स्पोर्ट्स ने 2 विकेट के नुकसान पर। सईद मसूद अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के लिए 6ठा ओवर कराने के लिए आए हैं। 8-10 चैनल्स में इसकी कवरेज होगी और बहुत सारे अखबार थे गड्डा प्रेस क्लब और इसके साथ साथ डिजिटल वेब चैनल सैटेलाइट बहुत सारे चैनल्स और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे इस इवेंट का बिल्कुल भी रूस चैनल के अदनान कुरैशी कैमरामैन और इनका जाकरानी हमारे इस एरिया के बहुत ही बड़े जबरदस्त क्रिकेटर भी है और मीडिया रिपोर्टर भी है, इनके प्रोग्राम आप देखते रहते हैं रोज नमाचार। सईद मसूद का सामना करेंगे जावेद जंगी, सईद मसूद आया दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, जावेद जंगी ने खेल दिया एक टिप्पे के बाद फील्डर के हाथों में, यकीनन एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल किधर है मैच। सुहेल बंगल तारू मैंगल स्टेडियम में यह मैच जारी है इस वक्त, रवान दवा है जैसे पाकिस्तान के आसिफ है, इसे ये भी हमारे आसिफ है, हालांकि पाकिस्तान के आसिफ की बॉलिंग। सईद मसूद एक बार फिर आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और बहुत ही बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा, अपनी इनिंग का 3रा मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जारी, जो कि पैर इंजर्ड हो चुका है, खून जा रहा है उनके लेफ्ट हैंड से मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, पावरफुल हिटिंग जारी इस वक्त रजा की जानिब से। सईद मसूद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर गए, यकीनन एक बाउंस के बाहर 4 रन मिले, 2 गेंदों पर 10 रन लेने में कामयाब हुए रजा। इसी तरह की बल्लेबाजी अगर 3 से 4 ओवर में और हुई तो लगभग 170 प्लस स्कोर बन जाएगा। प्रीवियस ओवर पर 6 विकेट्स का ओवर डिफेक्ट का कवर पकड़ा, क्या गजब के ये खिलाड़ी हैं, जब तक ये हैं तब तक कोस्तान के खिलाड़ी की दिल की धड़कन भी काफी तेज हो गई क्योंकि इस बल्लेबाज से छुटकारा पाना। सईद मसूद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, ओ यकीन अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइड बॉल, एक रन मिला जावेद के लिए, हमेशा मैंने एथलीट उस बंदे को कहा जाता है जो हर चीज में महारत रखता हो, तो ये हर चीज में महारत रखता है। सईद मसूद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही खूबसूरत फ्लिक किया, मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा, रजा को इसी तरीके की जारियाना कुछ और शॉट दिखाने पड़ेंगे, यकीनन बड़ा टारगेट छोड़ने के लिए कुछ और ऐसे शॉट्स दिखाने पड़ेंगे। 6ठे ओवर का खेल है जारी, ऐसा खिलाड़ी है नहीं
सही मौजूद एक बार फिर आज दौड़ना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया लेट ड्राइव खेलना चाहते थे समझ ना सके बीट हुए अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि नॉट आउट बहुत ही जोरदार अपील की थी यहाँ उमरान लाला हुसैन ने जो कि अंपायर ने नॉट आउट करार दिया रजा को सईद मसूद आखिरी गेंद सामना करेंगे जावेद जंगी सईद मसूद आए दोनों शॉट के अंपायर को क्रॉस किया और बीट हुए आखिरी गेंद पर अच्छा कमबैक किया छह ओवर के अख्तिताम पर मजमू स्कोर बढ़ता हुआ रियल एस्टेट के ओनर 96 रन हो चुके हैं सात छह ओवर के अख्तिताम पर सैफुल्लाह आए अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर कराने के लिए और टीम का सातवां ओवर कराने के लिए आए सैफुल्लाह सामना करेंगे रजा जो के बहुत ही अच्छी बैटिंग कर चुके हैं इस वक्त तक 4 से 5 मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए हैं 6 ओवर के अख्तिताम पर 96 स्कोर जबकि 2 विकेट के नुकसान पर साकिब स्पोर्ट्स साइड बचाई साकिब स्पोर्ट्स ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही ताउन किया है 50,000 का ऐलान किया है बल्लों का ऐलान किया उन्होंने सैफुल्लाह एक बार आए दोनों स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और बेहतरीन यकीनन देखना पड़ेगा और कैच ड्रॉप कर दिया रजा को एक और चांस मिला यहाँ पर सैफुल्लाह बहुत ही नाराज फील्डर से इनको ये कैच पकड़ना चाहिए था अगर ये कैच पकड़ लेते तो यकीनन मैच में वापसी करवा देते कोहिस्तान स्पोर्ट्स को यहाँ अब करेंगे सैफुल्लाह का सामना जावेद जंगी भी एक बहुत पावरफुल हिटर हैं जिनके हाथों में बहुत ताकत है बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने की सैफुल्लाह अपने लाइनअप पर तैयार आए तोड़ना स्टार्ट किया फायर को क्रॉस किया और डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने में कामयाब हुए किनन एक ही रन मिले गए यहाँ पर जी कामरान भाई बैटिंग साइड पर हैं अभी तक बैटिंग पर आए नहीं है सुहेल बंगश साकिब स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं कामरान बंगश तीसरी गेंद के लिए तैयार सैफुल्लाह पहली गेंद पर चांस मिला दूसरी गेंद पर जावेद सिंगल लिया अब देखते हैं कि तीसरी गेंद पर रजा क्या करके दिखाते हैं या सैफुल्लाह क्या करते हैं सैफुल्लाह अपने लाइनअप पर तैयार फील्ड पर नजर डालते हुए इसी के साथ 50 रन मुकम्मल किए रजा ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी यहाँ बनाने में कामयाब हुए जीपीएल सीजन नंबर 8 की पहली 50 बनाने में कामयाब हुए रजा भाई 50 पूरी हुई और 100 रन भी पूरे हो गए क्योंकि जब तक रजा है इस ओवर में 2 बार चांस मिला है रजा को और अपनी निफ्ट सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए इस एडिशन की पहली 50 जो कि रजा के बल्ले से बनी है उम्मीद तो कारी है मिदुल्ला से थी जो कि 3 से 4 मैक्सिमम लॉन्च करने के बाद आउट हो गए सैफुल्लाह एक बार फिर आए तोड़ना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया
और देखते हैं कि इस गेंद पर उमर मरी गेंद कर पाएंगे या नहीं। यकीनन तीसरा चांस रजा को मिला है, यहाँ पर तीन चांस मिले हैं। सैफुल्ला बहुत ही गुस्से का इजहार कर रहे हैं फील्डर्स पर। पहली गेंद पर चांस, तीसरी गेंद पर चांस, चौथी गेंद पर चांस, तीन चांस इस ओवर में मिले, एक चांस रन आउट का मिला था। चार चांस पर खेल रहे हैं, चार चांस मिलने के बाद रसा क्रीज पर मौजूद। यकीनन उफरान लाला ने अपने बिल्डर पर काफी गुस्से का इजहार किया इस वक्त। सैफुल्ला एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद। एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा कि पेट से लग के गई है बल्ले से, कोई इनसाइड एज नहीं, नॉट आउट करार जावेद जंगी। बल्लेबाजों को यकीनन आउट के करीब पहुंचा दिया था सैफुल्ला ने, लेकिन फील्डरों ने यकीनन उसको पहले पर जिता पानी डाल दिया। सैफुल्ला एक बार फिर रजा अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और चार रन मिलेंगे। उमर मरीज, उमर मरीज है मिस फील्ड, चार रन मिले। जावेद जंगी एक बार सामना करेंगे फिर सैफुल्ला का। सैफुल्ला अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन शॉट खेलना चाहते थे, डॉट हुए। जावेद जंगी को बोल रहे हैं कि आप छक्का मारना चाहते हो, नाकाम रहे और ओवर नंबर 108 हो चुके हैं। सात ओवर के इख्तिताम पर 108 रन हो चुके हैं। बस ये और अब कब है और शुरू होंगे, हफ्ता इतवार कोई मैच नहीं है, फिर से जुम्मे हफ्ता इतवार यहाँ पे मैच है, उसके बाद वो कबूल नहीं, यहाँ उसके बाद टीपीएल शुरू होगा कबूल कोर्ट में, कबूल टाइगर ग्राउंड। केपीएल का फाइनल, केपीएल का फाइनल बाकी है। अच्छा हाँ, और उसके बाद जो है केपीएल फाइनल में कबूल किंग और एहसान स्पोर्ट्स पहुंच चुकी है और बीपीएल जूनियर लीग जो है वो अभी स्टार्ट होगी, टाइसर प्रीमियर लीग। अभी एक ही टीम पहली टीम तीन ओवर्स का आना बाकी, देखते हैं तीन ओवर्स में 108 के साथ कितने रन जोड़ पाएगी साकिब स्पोर्ट्स की टीम, जबकि रजा बिल्कुल फॉर्म पर मौजूद, जो कि इंजर्ड हैं, पैर पर चोट लगी है, उनके खून भी जा रहा है उनका। असद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही अच्छी गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके रजा। अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर कराने आए, मैच का आठवां ओवर कराने के लिए आए असद। असद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन मैक्सिमम लेग स्टंप की जाने, बहुत ही बुलंद हो बाला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए रजा। रजा अगर क्रीज पर मौजूद तो साकिब स्पोर्ट को कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ये रन बटोर रहे हैं ओवर्स में। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी जारी है यकीनन तो 160 प्लस स्कोर बनना चाहिए। असद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही उम्दा गेंद, वन बाउंस। फील्डर ने यकीनन अच्छी फील्डिंग की, अपने टीम के लिए तीन रन बचाने में कामयाब हुए। एक रन लिया यहाँ दो गेंदों पर, तीन गेंदों पर सात रन दे दिए असद ने। अब सामना करेंगे जावेद जंगी जो कि तीन ओवर से क्रीज पर मौजूद, एक भी मैक्सिमम देखने को नहीं मिला और बहुत ही उम्दा कीपिंग हुसैन की जानिब से यकीनन चार रन रोकने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए हुसैन।
असद एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए, दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, ओ स्ट्रेट राइट डेला मैक्सिमम, जावेद जंगी के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाने में कामयाब हुए जावेद जंगी। इस गेंद पर मिलेंगे 6 रन। यही देखने के लिए आए थे जावेद जंगी की इसी तरह की इनफॉर्म देखने आए थे। और दूसरा यकीनन आसिफ पठान के पास गेंद और सीधा उनसे बहुत ही ऊपर एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जावेद जंगी ने इस वक्त चार्ज शुरू कर लिया है रजा के साथ। अच्छा थोड़ी बात करेंगे कि जो फील्ड के दौरान कैच ड्रॉप होते हैं, अकरम भाई अकरम ये नहीं चाहता कि उसके हाथों से गेंद जो है अकरम भाई हुसैन फिसलता है या जमीन पर गिरता है अकरम था या फील्डर्स या बॉलर से इतना असरअंदाज नहीं होता जितना वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी हाथ में आया हुआ शिकार जो है खान खा निकल जाता है और कभी कभी शिकार शराफत को वेलकम करते हैं खान स्पोर्ट्स पेज पर। यहाँ बैठे यहाँ तो ये बना हुआ है दीवार है इधर तो सही है पर वहाँ छांव भी है। काम भी कर गुफराना इधर हुआ करना पीछे भी फील्डर खड़ा हुआ तू भी हुसैन भाई बॉलर नेम सादिक कबूर सामना करेंगे रजा। ओ पहली गेंद को होम स्टंप की जानिब खेलने में कामयाब हुए बड़ा मैक्सिमम लॉन्च करने सीधा मैंगल बोर्ड के घरों में गेंद फेंक दी। इस वक्त रजा ने पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम लगाया एक बार फिर सादिक को बुलाया दोनों स्टार्ट गेम पर को क्रॉस किया और दूसरा मैक्सिमम या चौका यकीनन एक टिप्पा खाने के बाद 4 रन 2 गेंदों पर 10 रन ले लिए। दो गेंदों पर 10 रन लेने में कामयाब हुए यहां पे रजा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जारी रजा की जानिब से और इस गेंद को खेलना चाहते थे स्लो वन गेंद थी बिल्कुल समझ नहीं सके जी बिल्कुल गुड बैटिंग जमाल जी हाँ बिल्कुल जी जमाल बंगश को वेलकम करते हैं खास फोटो ऑफिशियल पेज पर। और यकीनन उमर गेंद के पीछे यकीनन चौका रोकने में कामयाब होंगे और हाँ बिल्कुल 2 रन बचाने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए उमर मरी। चार गेंदों पे 12 रन आ चुके हैं इस वक्त सादिक कबूर की जानिब से रजा कर रहे हैं पावरफुल हिटिंग जारी रजा की जानिब से सादिक एक बार फिर दोनों स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बाउंसर करना चाहते थे अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर आई थी गेंद इसलिए वाइड बॉल करार दी गई। और यकीनन देखना पड़ेगा गुफरान लाला गेंद के नीचे कैच को बिल्कुल जज ना कर सके सईद मसूद आए गेंद के पीछे यकीनन 4 रन रोके 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए सईद मसूद।
चार चांस मिल चुके हैं, तीन कैचेस के मिल, चार कैचेस के मिल चुके हैं, एक रन आउट का चांस मिल चुका है, पांच चांस मिल चुके हैं रजा को आखिरी गेंद कराने के लिए तैयार। सादिक अबोल आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके रजा। 8 ओवर के अख्तिताम पर आखिरी ओवर का आना बाकी, जबकि सुपर बोल भी है बाकी। अब देखते हैं कि सुपर बोल रजा लेते हैं या जावेद जंगी लेंगे। सुपर बोल पे जो भी बाउंड्रीज, जो भी रन आएंगे डबल काउंट किए जाएंगे। अगर एक प्लेयर आउट होता है तो दोनों प्लेयर आउट करार दिए जाएंगे। सुपर बोल पर अगर बल्लेबाज के लिए या फायदा है तो गेंदबाज के लिए भी कमेटी ने एक फायदा रखा है। अगर वो विकेट लेते हैं सुपर बोल पर तो दोनों, एक स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों को पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा सुपर बोल पर। अब देखते हैं कि सुपर बोल कौन देगा। आखिरी ओवर का आना है बाकी, आखिरी ओवर के लिए आए उमर मरी, सामना करेंगे जावेद जंगी। स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए उमर मरी। जावेद जंगी उमर मरी आए, तोड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद और रजा ने होशियारी की। आए सामना लेना चाहते थे जावेद जंगी, रन आउट होने के बाद पवेलियन जाएंगे, तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ेगा साकेत स्पोर्ट को जावेद जंगी की सूरत में। चार गेंदों का मजीद आना बाकी जबकि सुपर बोल भी है बाकी। देखते हैं कि सुपर बोल पर क्या होगा। जावेद जंगी ने अपना काम कर दिया है, सुपर बोल का आना बाकी है। सुपर बोल में होगा अगर एक रन लेंगे तो दो, दो लेंगे तो चार, चार लेंगे तो आठ। लेकिन एक और जो यहाँ पे कवानीन में ये भी लाया गया है अकरम रजोली करते कि आउट अगर होगा तो दोनों बैट्समैन आउट हो जाएंगे। और इस वक्त रजा ने सुपर बॉल ले लिए, इस बॉल पर जितने भी रन आएंगे डबल काउंट किए जाएंगे, अगर आउट होगा तो वो भी डबल काउंट किया जाएगा। उमर मरी आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन एम्पायर का इशारा के नो बॉल, यकीनन नो बॉल करार दी गई। दो रन बटोरने में कामयाब हुए, चार रन मिले उनको, एक नो बॉल का एक रन लिया जबकि सुपर बॉल थी, चार रन मिले सुपर बॉल बरकरार, सुपर बॉल बरकरार, साथ साथ में फ्री। अगर आउट होते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। उमर मरी एक बार फिर दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन इस गेंद को बिल्कुल ही समझ ना सके। एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा रजा को, सुपर गेंद पर यकीनन पांच रन, छह रन मिलेंगे। एक नो बॉल, एक सिंगल आया, दो रन हुआ है, यकीनन चार मिले, एक ये आया, दो काउंट किए जाएंगे तो छह रन मिले उनको। और रजा ने खूबसूरत मैक्सिमम लॉन्च कर दिया है इस वक्त यहाँ पे। और साथ ही दूसरे स्टेडियम में
उमर मरी एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए, दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और बहुत ही बुलंदो बाला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब। ओ क्या कैच लिया लेग स्टंपर आसिफ मसूद ने, एक जंप मारी, जंप मारने के बाद एक हाथ में सेव किया कैच जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा था, बहुत ही बेहतरीन कैच लेने में कामयाब हुए। इस इवेंट का बहुत ही बेहतरीन कैच है आसिफ मसूद के हाथ में सेव, रजा को पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा साकेत स्पोर्ट को रजा की सूरत में चार विकेट के नुकसान पर। इस वक्त सईद अनवर आए जो कि शेरवानी की जूनियर टीम की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल जज करके पकड़ा है, सईद अनवर सामना करेंगे उमर मरी का। उमर मरी आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और पहली गेंद पर मैक्सिमम लॉन्च कर दिया सईद अनवर ने। एक सौ पैंसठ रन का टारगेट सजाया है इस वक्त साकेब स्पोर्ट्स ने, 164 रन बनाए जबकि 165 रन का टारगेट सजाया पांच विकेट के नुकसान पर। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज कारी अमीर, फिर फकरेन, उसके बाद जावेद जंगी, उसके बाद रजा, चार विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाने में कामयाब हुई है साकेब स्पोर्ट्स।
यकीनन बैटिंग पर जो पहले बल्लेबाज ओपन करने आ रहे हैं आसिफ मसूद के साथ हुसैन भाई आ रहे हैं उनके साथ, जो कि आसिफ मसूद एक बहुत ही पावरफुल हिटर हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं आल पाकिस्तान के। मीडिया से इंशाल्लाह कल ये खबरें आप अखबारों में न्यूज चैनल्स में भी देखेंगे। बच्चों से गुजारिश है कि वो बाहर आ जाए, बच्चों से गुजारिश है। 165 का है टारगेट, 166 रन की ताकत में हमारे साथ सीनियर सईद अनवर बॉलिंग के हैं निशान पर तैयार। सामने करेंगे आसिफ मसूद, पहली गेंद कराएंगे यहाँ पर सईद अनवर। शेरवानी स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं इस वक्त, साकिब स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में छ बंद, नेक्स्ट नंबर 6 पे 9 है। हमारे लिए सईद अनवर आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए यहाँ पर आसिफ मसूद। इसी तरह जारियाना बैटिंग करते हैं, पावरफुल हिटर हैं, बेहतरीन हिटिंग की सलाहियत रखते हैं। पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम लॉन्च कर दिया है सईद अनवर। एक बार फिर आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया,
और बेहतरीन गेंद, एम्पायर का इशारा, यकीनन वाइड बॉल, एक गेंद सात रन। एक बार फिर सईद अनवर अपने लाइनअप पर तैयार, आए बोलना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और दूसरी गेंद पर दूसरा मैक्सिमम लॉन्च किया। यहाँ पे बहुत ही जारियाना स्टॉक लगाने में कामयाब हुए आसिफ मसूद, दो मैक्सिमम इस ओवर में दो गेंदों पर दो मैक्सिमम लॉन्च कर दिए। ये बिल्कुल बार हार क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी तो सिर्फ दो गेंदे हुई हैं। सईद अनवर एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार, आज दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और तीसरी गेंद पर एक बुलंदो पाला मैक्सिमम लॉन्च कर दिया, तीन गेंदों पर तीन मैक्सिमम लॉन्च कर दिए यहाँ पर आसिफ मसूद ने, तीन गेंदों पर 19 रन आ चुके हैं। सईद अनवर एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और देखना पड़ेगा फिरोज मेंगल गेंद के पीछे, यकीन है अपनी टीम के लिए तीन रन बचाने में कामयाब हुए फिरोज मेंगल, चार गेंदों पर 20 रन आ चुके हैं यहाँ पर। जंगी करेगा, बिल्कुल जंगी है, काम रहा बेहतरीन सईद अनवर एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार, सामना करेंगे हुसैन जो कि किसी तारीख के मुताबिक आज दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बिल्कुल ही समझ ना सके इस गेंद को, एक ओवर के अख्तितम पर यकीनन 20 रन लेने में कामयाब हुए कोहिस्तान स्पोर्ट्स की टीम, तीन मैक्सिमम लगाने में कामयाब हुए आसिफ मसूद। कारी हमीदुल्ला ने फील्ड का फैसला किया जबकि कीपर चेंज कर दिया उन्होंने, जावेद वो केजा कैच था लेकिन मैं थोड़ा आगे निकल के आ गया, ये आ गया इजी कैच पर चला गया मार, चलो चलो शाबाश कोई नहीं। और उसके बाद यहाँ पर मैं कैमरा इधर हो जा थोड़ा इधर हो जा, भाई से गुजारिश करूंगा कि फतेह भाई को अजरक का तोहफा पेश करेंगे, फतेह भाई को फतेह बैगल अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर कराने के लिए आए फकरे, बैटिंग में तो कोई खास कारकर्दगी करके नहीं दिखाई, अब देखते हैं कि बॉलिंग में क्या करते हैं, सामना करेंगे उनका आसिफ मसूद, पकड़ेन अपने लाइन अप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, स्लो वन डिलीवरी थी जिसको बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम के लिए भेजा आसिफ मसूद ने, पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम इस ओवर में भी लॉन्च कर दिया आसिफ मसूद ने, चार मैक्सिमम लगाने में कामयाब हो चुके हैं अब तक, दूसरे ओवर का खेल है जारी, पहली गेंद दूसरे ओवर की हो चुकी है, चार मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए आसिफ मसूद। एक बार फिर फकरेन अपने लाइनअप पर तैयार, फकरेन एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन शॉट,
दो गेंदों पर 10 रन लेने में कामयाब हुए आसिफ महसूद। पावर प्ले का खेल है जारी। लेकिन इधर पे हम अपने तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें अनीफ भाई, सलीम रिम साहब बहुत मशहूर है, असलम बराड़ी साहब जिनका बहुत अगले एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और स्लो वन डिलीवरी की थी जिसको आसिफ महसूद बिल्कुल ही समझ ना सके। ये गेंद हुई डॉट। तीन गेंदों पर आए 10 रन के साथ टोटल रन 30 रन हो चुके हैं अब तक 1.3 गेंदों पर। चार चांद लगा दिए हमारे महफिल में शिरकत करके कपोल बिरादरी को दाद देनी पड़ेगी जिसने पूरे इवेंट के लिए फ्री ग्राउंड दिया अक्रम कपोल को जीपीएल एडिशन करवाने के लिए। पकड़े ने एक बार फिर आदोलन स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए आसिफ महसूद। पांचवा मैक्सिमम उनके बल्ले से निकलता हुआ एस के बल्ले के बल्ले से खेल रहे इस वक्त आसिफ महसूद। एक बार फिर बकरेन आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और देखना पड़ेगा कारी अमीद और खूबसूरत ड्राइव मारकर कैच पकड़ना चाहते थे, कैच ड्रॉप हुआ। यकीनन दाद देनी पड़ेगी कारी अमीद को, अगर ये कैच पकड़ लेते यकीनन मैच पकड़ लेते। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। क्रिकेट का खेल मुश्किल जरूर पर मुमकिन नहीं। पकड़ेन एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए, तोड़ना स्टार्ट किया, टायर को क्रॉस किया और हुसैन की जानिब से मैक्सिमम पहला मैक्सिमम हुसैन के पल्ले से निकलता हुआ। पांच मैक्सिमम आसिफ महसूद ने लगाए, दो एक मैक्सिमम हुसैन ने लगाया अब तक। आसिफ बसीदा, ओ बसीदा, पांच तीन दो ओवर के अख्तिताम पर 53 टारगेट इमाम भाई, टारगेट है 165 रन का। साकिब स्पोर्ट्स ने 165 रन का टारगेट सजाया है जबकि दो ओवर में 53 रन लेने में कामयाब हुए जिसमें पांच मैक्सिमम आसिफ महसूद ने लगाए, एक मैक्सिमम हुसैन ने लगाए जबकि डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज जो है वो आसिफ महसूद ने लगाई हैं। 40 रन पर आसिफ महसूद खेल रहे हैं। सईद अनवर अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम के लिए तीसरा ओवर कराने के लिए आए। पहली गेंद पर पहला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए आसिफ महसूद। जी नहीं की अभी तक, ओपनर खेल रहे हैं अनवर पठान, इस वक्त बैटिंग पर नहीं आए, दोनों ओपनर ही खेल रहे हैं। आसिफ महसूद के बल्ले से छठा मैक्सिमम निकलते हुए सईद अनवर एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए, दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और डाउन द ग्राउंड शॉट खेला। कामरान थे गेंद के पास, समझ ना सके इस गेंद को, सीधा गई बॉल फेरोज मेंगल के हाथों में, एक रन बनेगा। बिल्कुल इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है इमाम भाई। अनवर एक बार फिर आए दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और सईद अनवर खेलना चाहते थे इस गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाहते थे, समझ ना सके इस गेंद को। एक रन मिलेगा यानी कि 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर।
फकरेन की मुझे कोई मालूमात नहीं। इमाम भाई वो कमेटी को पता होगा किसकी जगह खेल रहे हैं या अपनी जगह खेल रहे हैं किसी की जगह खेल रहे हैं, इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं दी गई है। ये आप अकरम गबोल से रब्ता करके पूछ लें। सईद अनवर एक बार फिर आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही खूबसूरत मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए। बुलंदो बाला मैक्सिमम, सातवां मैक्सिमम आसिफ पठान के बल्ले से निकलते हुए यकीनन दो रन की दूरी पर अपनी निफ सेंचुरी से। हाँ भाई मुझे इस हवाले से कोई इलम नहीं है, इस वक्त बड़ी मछली को अनवर ने अपने झांसे में फंसाया। आसिफ मसूद पवेलियन की तरफ वापस जाएंगे, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कोहिस्तान स्पोर्ट्स को आसिफ की सूरत में। काफी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आसिफ मसूद और कारी हमीदुल्ला आपस में, अच्छा मजाक कर रहे थे जी। इमाम भाई आप जिसका पूछ रहे थे वो ग्राउंड में इन हो चुके हैं। अनवर पठान चार्ज संभालने के लिए आ चुके हैं इस वक्त ग्राउंड में। कैफ यहाँ भी समझदारी वाली बॉलिंग करनी है। दादा सरस्ता खबालर दे हां बोलू के देखो माशाल्लाह कमबैक कई बहुत जबरदस्त कप्तान है सही बच्चे ने केपीएल के जाऊंगा टीम ने देमंग फाइनल की है सांस स्पोर्ट्स ने दे उन पे तकरीबन 3 मिनट ना रहा बच्चे ने बबाले बहुत पावर है लोग पे बड़े मारे बाबा ते और 3 मिनट ना मुंह लेते बचाओ के लिए यानी के सईद पे या रमद अटकोल पे नाम दी तो क्रिकेट का हो सही है देम देम जाऊं पर टीम के दे फाइनल देम सही है सईद हम सही है खुदा को मिच ना लेते के लिए 70 प्लस हो वाले माने चीज आसिफ पखपल लगा रहे ना आसिफ को देर ज्यादा बास आप स्टार देगा स्टार वेल कवर इस वक्त अनवर पठान क्रीज पर मौजूद जो कि आसिफ की जगह जिम्मेदारी संभालने के लिए आए। थंडर का बल्ला उनके हाथों में, सामना करेंगे सईद अनवर का। सईद अनवर आए दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और पहली गेंद ऑफ स्टंप पर पहला मैक्सिमम लॉन्च कर दिया अनवर पठान ने। तीन ओवर के इख्तिताम पर यकीनन स्कोर पूछना पड़ेगा स्कोरर से। छ चार चौसठ तीन ओवर के अख्तिताम पर 63 रन्स, जबकि 7 ओवर में 102 रन्स बाकी। क्रिकेट का खेल है बहरहाल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मुश्किल जरूर पर नामुमकिन नहीं। दोनों टीमों के लिए जो अच्छा खेल पेश करेगी यकीनन वही जीतेगी। जावेद जंगी कप्तान है साकिब स्पोर्ट्स के, अपनी टीम को समझाते हुए फील्डिंग को सेट करते हुए। रजा आए हैं
चौथा ओवर कराने के लिए आया, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन बहुत ही अच्छा मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए हुसैन के बल्ले से दूसरा मैक्सिमम निकलते हुए। रजा एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन बहुत ही अच्छी गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके हुसैन। शाबा पीछे पीछे शाबा, मेरो इधर आ जा, मेरे सामने उसके मेहमान में भी इनकी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, टेप बोलो चाहे हार्ड बॉल हो, इनकी कहानियां हम चर्चे सुनते रहते हैं। क्या कमाल का ये भी खिलाड़ी है, रजा को क्या अच्छा स्वागत किया उनकी गेंद में, सीधा गेंद का बढ़िया कलाई का उपयोग किया, रजा एक बार फिर आए तोड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन ड्राइव खेलने में कामयाब हुए। यकीनन देखना पड़ेगा एक ही रन पर इत्तेफाक किया, तीन गेंदों पर सात रन आ चुके हैं, यकीनन 70 रन पूरे हो चुके हैं इस वक्त तक। अब सामना करेंगे रजा का अनवर पठान। रजा अपने लाइनअप पर तैयार, अनवर पठान बैटिंग पर तैयार, रजा आया दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और डाउन द ग्राउंड शॉट खेला, अंदर आती हुई गेंद जिसको बिल्कुल समझ ना सके, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला, एक रन मिलेगा यहाँ पे। और हुसैन ने सीधे ही बल्ले से खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे और यकीनन हुसैन को आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा, दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा हुसैन की सूरत में खान कोहिस्तान स्पोर्ट्स को, जो कि बड़ा नुकसान साबित हो सकता है कोहिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। अभी आ रहे हैं सईद मसूद बैटिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए, चौथे नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं सईद मसूद जो कि जा रहे आना बल्लेबाज है। हुसैन बल्लेबाज आउट हुए हैं तो कहीं ना कहीं अभी कोहिस्तान स्पोर्ट्स की टीम को थोड़ा सा दीवाने टीम की तरह खेलना पड़ेगा मजबूत तरीके से। बिल्कुल बड़ा नुकसान जरूर है, मोहम्मद हुसैन आउट हुए हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि बैटिंग लाइन जो है काफी स्ट्रॉन्ग है कोहिस्तान स्पोर्ट्स का, यकीनन सईद मसूद अभी बेसिक रूप से नमदार हुए हैं, मोहम्मद हुसैन की आउट होने के बाद 333 नंबर का छत्र पहने हुए हैं, ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन लेकिन अब इनके इतिहास जो है वो बल्लेबाजी का शुरू हुआ है। बिल्कुल इनके आंकड़े बहुत ही बढ़िया, 333 नंबर किस गेंद का नंबर है जिसको बढ़िया पसंद करते हैं, किस गेंद ने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन यही बनाए थे, ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, ये नंबर इनका बड़ा फेवरेट है। जाओ छादियो जाओ, किनारा कसी करके वो थोड़ा सा म्यूजिक की तरह चले गए हैं क्रिस गेल, अच्छे 71 हो गया, मुख्तलिफ क्रिकेट इसमें लीग में सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं 63 थे पहले तीन में। रसा एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया जो बिल्कुल समझ नहीं सके, अनवर इमाम सलाम दे रहे, इमाम इमाम वालेकुम सलाम कह रहे हैं इमाम भाई, अनवर के 50 पर 1000 का इनाम इमाम भाई की जानिब से। लेकिन क्रिकेट में 2010 के बाद जो तब्दीली आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे हमारे लोकल ये क्रिकेट हो, तो जिस तरीके से असर भाई तब्दीली आई है, 4 ओवर के इख्तिताम पर 72 रन हो चुके हैं, इस ओवर में 9 रन आए हैं, ऊपर से मार रहे हैं कभी लेग स्पिन से गेंद को निकाल रहे हैं कभी बिल्कुल जाओ गेंद को उठा के खेल रहे हैं, मैंने के बोला सर है किसी के शॉट आज का मिल रहा है तब तो खिलाड़ी टेबल के भी वो भी इन खिलाड़ी की नकल करते हुए कहीं ना कहीं इस वक्त कारी अहमदुल्ला अपने कोटे का पहला और टीम के लिए
जो पांचवा ओवर कराने के लिए आए हैं कारी हमीदुल्ला, सामना करेंगे सईद मसूद। कारी हमीदुल्ला दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, पहली गेंद या लगभग एम्पायर का जरा वाइड बॉल, 19-20 का फैसला था पर एम्पायर ने वाइड बॉल करार दी। काली अमीदुल्लाह दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, यकीनन लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल, दो एक्स्ट्राज की सूरत में। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, यहाँ पे कारी आए गेंदबाजी के लिए पांचवा ओवर कराने के लिए। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर बल्लेबाज है और गेंद दोनों गेंदे एक जड़ जरूर आया, लेकिन जब तक सही है तब तक एक उम्मीद की किरण रोशन है क्योंकि इनके पास बड़ी कला है। इस गेंद को भी उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले तो सही नहीं आई शॉर्ट बोलने के लिए, तो टेप बॉल क्रिकेट में जितनी ज्यादा। जी इमाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, एक एक बार साथ में लाइक फॉलो और शेयर करते रहें वीडियो को, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने पेजेस से। कारी हमीदुल्लाह एक बार फिर अपने लाइन अप पर तैयार, सामना करेंगे सईद मसूद। सईद मसूद कारी हमीदुल्लाह दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन अच्छी गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके सईद मसूद। अब सामना करेंगे अनवर पठान कारी हमीदुल्लाह का। एक बार फिर कारी हमीदुल्लाह अपने लाइन अप पर तैयार, सामना करेंगे अनवर पठान कारी हमीदुल्लाह दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, उससे भी बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, फील्डर एक गेंद के नीचे देखना पड़ेगा, कैच ड्रॉप कर दिया है इस बार आमिर मसूद ने। तो बिल्कुल ऐसे कैचेस होने चाहिए कि जब हवा में गेंद होती है, आप शॉट एक मिड विकेट पे खड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल में फील्डर ने थोड़ा सा गेंद को जजमेंट नहीं किया क्योंकि हवा है, एक गेंद फिर से तुम्हारा ज्यादा छापे आए, लेकिन हवा के साथ से गेंद थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, तो कहीं ना कहीं कैचेस मिड मैचेस आपने देखा होगा कि जैसे रजा को चांस मिले फिर उन्होंने शतक भी लगा दिया, 83 रन भी बना दिए। एक बार फिर सईद सामना करेंगे कारी हमीद का। कारी हमीद आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद, डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने में कामयाब हुए। हेलो लोग बदल तारू मंगल के लाइव चलो मैं लाइव चलो मैं लाइव ब्या फोनों का बिल्कुल बढ़िया ओवर हमें दादरा ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटर यकीनन इसका भी मौका देंगे, गेंदबाजी करेंगे बहुत ही बढ़िया, गेंदबाजी अभी तक चल रही है। कारी हमीद सामना करेंगे अनवर पठान, अनवर पठान कारी हमीद आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन सिंगल लेना चाहते थे अनवर पठान और लेने में कामयाब हुए। यहाँ पर जबकि 30 गेंदें बाकी है, 30 गेंदों में बकाया रन चाहिए, 87 रन अभी भी जरूरत है यहाँ पे बकाया 30 गेंदों में। मजीद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे दादरी भाई, काफी दूर से आए हैं मेरे दोस्त। जी दादा भाई
30 गेंदे 87 रन सरकार मुश्किल जरूर लेकिन कम नहीं नहीं क्या करके टारगेट तो अचीव हो जाएगा ही नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बहुत बहुत शुक्रिया असलम बालारी और इसके साथ साथ हमारे पश्तुन भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार तब आप फिर हमारे प्यारे दोस्त अकरम गबुल भाई का जिन्होंने एडिशन नंबर 8 जीपीएल में टोटल कितने हो गया इनवाइट किया और बताया है बताया है शुक्रिया अदा करता हूं तो बेहतरीन टीम में यकीनन जीपीएल का जो आगाज हुआ है आज जिसमें तो बेहतरीन टीम में रजा सामना करेंगे अनवर पठान रजा आए तोड़ना स्टार्ट किया बार को क्रॉस किया और अच्छी गेंद जिसको बिल्कुल ही समझ ना सके अनवर पठान मुकाबला देखने को मिलेगा क्रिकेट को जी असल भाई तो आपको रजा एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए तोड़ना स्टार्ट किया एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद उससे भी बेहतरीन शॉट खेलने में कामयाब हुए फेरोज मेंगल ने गेंद को सेव किया यकीनन एक ही रन पर इत्तेफाक किया दोनों ने अनवर पठान सिंगल यकीनन मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ और सिर्फ अकरम गबोल का किरदार जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया यहां बिलावल स्टेडियम में जो कि तारू मेंगल कोर्ट में है ओ एक बार सईद मसूद की जानिब से पहला मैक्सिमम उनके बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही बुलंद और पाला इसी तरीके की बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी अगर इसको ये मैच विन करना है एक बार फिर रजा अपने लाइनअप पर तैयार सईद मसूद बैटिंग पर तैयार देखते हैं कि कौन होता है कामयाब इस गेंद पर रजा आए दौड़ना स्टार्ट किया एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन रजा ही कामयाब हुए सिंगल लेने पर मजबूर किया सईद मसूद को इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर ये मैच विन करना है साकिब स्पोर्ट्स को तो 165 का पीछा करती हुई दोस्तान स्पोर्ट्स की टीम जीपीएल नंबर एडिशन नंबर 8 का पहला मुकाबला यकीनन यहां पर छक्के और मुकाबला जारी इसके बाद मजीद और बाकी लंबे रनों के साथ रजा एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार सामना करेंगे इस बार अनवर पठान रजा आए दौड़ने स्टार्ट किया एम्पायर को क्रॉस किया और खेलना चाहते थे इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला आमिर ने की मिस फील्ड एक रन बनेगा यहां पर रजा बिल्कुल ही खुश नहीं मिस फील्डिंग से रजा एक बार फिर अपने लाइन पर तरह आए दौड़ना स्टार्ट किया एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए सईद मसूद बहुत ही बुलंद वाला छक्का लगाए उन्होंने आखिरी गेंद पर कभी बुला लेंगे अरे भाई को टूर्नामेंट तो पूरा टाइम ले लो रोजाना हर एक को आप देखते हैं कि मजीद जो है क्या कुछ होता है इस मैच में एक मरतबा फिर जो है छह ओवर के अख्तितम पर 93 स्कोर है सैयद बिलाल शाह को वेलकम करते हैं खानपुर ऑफिशियल पेज पर कितने का विन है 164 साकिब स्पोर्ट ने बनाए थे 165 रन का विन है बिलाल शाह आप जरा कमेंट कर दें टारगेट लिखकर 165 का
6 ओवर के अख्तितम पर 93 स्कोर हो चुके हैं, जबकि दो बल्लेबाज कोहिस्तान स्पोर्ट्स के आउट है। आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ मसूद और हुसैन सईद मसूद और अनवर भटान इस वक्त क्रीज पर मौजूद। बिलाल शाह टारगेट को जरा कमेंट कर दें, 165 रन का टारगेट है। चार ओवर में 73 रन दरकार। भरपूर कोशिश कर रहे थे वो मेरे बॉल को हिट करने के लिए, अच्छी तरह से बॉल के बल्ले पर नहीं आ रहे, लेकिन अब जो सिचुएशन। शुक्रिया बिलाल शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त सातवें ओवर कराने के लिए आए हैं और अपने कोटे का दूसरा ओवर कराने के लिए आए फकरेन। फकरेन आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और अनवर पठान इस गेंद को समझ न सके, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला। कारी हमीदुल्ला गेंद तक पहुंचे, एक ही रन पर इत्तेफाक किया दोनों बैट्समैन ने, उसी एक रन के साथ 71 रन रह गए हैं 23 बॉलों पे। एक दफा फिर फकरेन तैयार हुए, आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए यहाँ सईद मसूद के बल्ले से तीसरा मैक्सिमम निकलते हुए 65 रन दरकार 22 गेंदों पर। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन इस इवेंट का ये पहला मैच जीतता है कौन पहला मैच हारता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुश्किल जरूर पर नामुमकिन नहीं दोनों टीमों के लिए, जो अच्छा खेल पेश करेगी वही टीम जीतेगी। के साथ मोहब्बत तो इसीलिए इतना बड़ा सफर करके यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, एक मैंगल बिरादरी को हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अकरम गबोल को इस इवेंट के लिए ग्राउंड मुहैया किया है कि आप ये इवेंट हमारे ग्राउंड में चला सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई ग्राउंड सीज नहीं है, अकरम भाई आप ऐसे ही चलाएं। उन गबोल मैंगल बिरादरी को बहुत बड़ी दाद देते हैं अकरम गबोल की जानिब से। जो भी मैन ऑफ द मैच होगा साकिब स्पोर्ट्स की तरफ से, साकिब स्पोर्ट्स की ओर से जाने से 5000 के प्राइज। जो भी आज के मैच का मैन ऑफ द मैच रहेगा साकिब स्पोर्ट्स की जानिब से 5000 रुपए मैन ऑफ द मैच का ऐलान दिया, इनाम दिया जाएगा उनको। कितने रन चाहिए जी भाई, इस वक्त 22 गेंदों पर 65 रन दरकार हैं। सौ रन मुकम्मल हो चुके हैं, 65 रन हैं दरकार, 22 गेंदे हैं बाकी, जबकि सुपर बोल का आना है बाकी। एक बार फिर फकरेन अपने लाइनअप पर तैयार आया, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और अनवर पठान ने एक और मैक्सिमम लॉन्च कर दिया है इस वक्त 59 रन दरकार 21 गेंदों पर। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चौथा मैक्सिमम सईद मसूद के बल्ले से निकलता हुआ, जब ये बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर फकरेन आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और इस ओवर का तीसरा मैक्सिमम लॉन्च कर दिया 53 रन दरकार 20 गेंदों का आना है बाकी। बिल्कुल चट्टानों से टकराना इनका काम है, सईद मसूद इनका नाम है। तीन मैक्सिमम लॉन्च कर दिए हैं 20 गेंदों पर 53 रन है दरकार। फकरेन एक बार फिर आए, दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और यकीनन स्लो ऑन डिलीवरी की, इसको बिल्कुल ही समझ ना सके। एम्पायर से पूछ रहे थे कि लास्ट बॉल है जी, एम्पायर ने इशारा किया जी बिल्कुल एक गेंद का आना है बाकी। 165 के
मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है। बेहतरीन आइडियल मौसम है क्रिकेट के लिए। जाइए जरा लेकर आइए, छोड़े दिस इज सही रसूल आपके लिए निकाल कर दे इस बार बॉल फुट बैक व्हाट अ सिक्स इज और चौथा मैक्सिमम लगाने में कामयाब हुए इस वक्त सईद मसूद, यानी कि 47 रन हैं दरकार। 18 गेंदों पर है 47 रन, लगभग 15 का औसत है बाकी। जी जी बिल्कुल जावेद आ जाए, मैं उनसे पूछकर आपको बता देता हूँ। इमाम भाई 18 गेंदों पर है 47 रन बाकी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुश्किल जरूर पर नामुमकिन कुछ नहीं। अनवरा अनवरा तो आप देख रहे हैं कि मजीद के जो 3 ओवर आना बाकी है, किस बॉलर को गेंद थामते हैं और यकीनन अनाउंसमेंट तो होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेयरों के लिए जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको यकीनन बताएंगे। इस वक्त आसिफ महसूस ने अपने बल्लेबाजों को कुछ गाइड यार मैच खलास करा अगले होता उसको बोल रहा है। ओहो केफ मेंगल को पहली गेंद पर मैक्सिमम लॉन्च कर दिया अनवर पठान ने, 41 रन है दरकार। जावेद जावेद आपके स्टार कौन कौन है? रजा फकरेन कारी हमीदुल्ला। कैफ मैंगल एक दफा फिर आए, दोनों स्टार्ट के अंपायर को क्रॉस किया, यकीनन अच्छी गेंद, उधर यकीनन रन आउट मिस किया। तो एक गेंद 40 रन बाकी है 16 गेंदों पर, क्यों 47 थे ना, छक्का लगा सिंगल आया। केफ मैंगल एक बार फिर आए, दौड़ना स्टार्ट के अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन कामरान मंगल के गेंद के बाद और सईद मसूद पवेलियन की तरफ वापस जाएंगे इस वक्त। और इस बार तो चुटकी हो गई है, सईद मसूद जी वापस आ रहे हैं, खुशी उनके चेहरे पर, लेकिन अपना काम खुशी थी उनके चेहरे पर, अपना काम कर गए। शहीद मसूद चट्टानों से टकराना इनका काम था, शहीद मसूद इनका नाम था, जो कि बहुत ही जारियाना इनिंग खेलकर पवेलियन वापस जाना पड़ेगा, तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ेगा कोहिस्तान स्पोर्ट्स को, जबकि 40 रन से दरकार 15 गेंदों पर। दो गेंदों पर 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ यहाँ पर केफ मैंगल। हैट्रिक पर है खड़े केफ मैंगल, देखते हैं कि जेपीएल एडिशन की पहली हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। 14 गेंदों पर 40 रन दरकार। जाऊ यकीन
हाँ सही है यार। कैफ अंकल एक बार फिर हाथ दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जारी कैफ मैंगल की जानिब से। कैफ मैंगल एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 39 रन दरकार 13 गेंदों पर, 13 गेंदे 39 रन दरकार, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। कैफ मैंगल एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन टच भी। तेरह 12 गेंदों पर 39 रन दरकार, यानी के 19.5 रन पर ओवर की औसत से खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल इमाम भाई, कैफ विनिंग बॉलर है, अच्छा है जी बिल्कुल। ये तो मैंने भी जावेद जंगी से कहा था, जावेद जंगी ने पूछा कैफ मैंगल कैसी बॉलिंग करता है, मैंने उनको कहा कि केपीएल एडिशन में आपने इनकी बॉलिंग नहीं देखी, हमारी टीम के लिए एहसान स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा कमबैक करके दिखाया है, 2 से 3 मैचों में बहुत ही अच्छा कमबैक करवाया है इन्होंने अपनी टीम का। तो यही मशवरा मैंने उनके साथ किया, उन्होंने सिर्फ पूछा मुझसे, मैंने जो सलाहियतें उनमें मौजूद थी मैंने उनको बताई के मैच को वापसी लाने ला सकते हैं कैफ मैंगल, तो वही हुआ। जावेद ने उनको चांस दिया, वो आए 2 विकेट के लिए, 8 रन पर अपना ओवर मुकम्मल किया है कैफ मैंगल ने। कारी हमीदुल्ला आए 9वें ओवर कराने के लिए अपने कोटे का दूसरा, और टीम के लिए 9वां ओवर कराने के लिए आए, सामना करेंगे अनवर पठान। कारी हमीद आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, ओवर डिलीवरी की बिल्कुल समझ ना सके। जावेद जंगी अनवर को रन आउट करना चाहते थे, उनको पता है अगर अनवर क्रीज पर मौजूद रहे तो कुछ भी हो सकता है। कारी हमीद एक बार फिर आए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन वाइड बॉल, लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे असद, बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। 128 मजमुई स्कोर हो चुका है इस वक्त तक, 8.1 गेंद हो चुकी है। कारी हमीद एक बार फिर दोनों स्टार्ट, अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन कैफ मैंगल गेंद के पीछे, यकीनन 4 रन मिलेंगे उनको। जिसका बहुत मशहूर भी है, जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कारी हमीदुल्ला का, असद करेंगे सामना। कारी हमीद अपने लाइनअप पर तैयार, आए दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन एक टिप्पा बाउंस खाने के बाद 4 रन मिलेंगे। यकीनन 10 से 11 रन दे चुके हैं और एक और बात बताता चलूं कि सुपर बॉल का आना है बाकी। रन लेने में कामयाब हुए, बहुत ही तेज बिटवीन द रनिंग, बिटवीन विकेट द रनिंग की इन्होंने
खुद का एक अपना चैनल भी है जिससे तेरह रन मेरे ख्याल से आ चुके हैं, 11 रन अब तक आ चुके हैं, 19 की औसत थी, 19.5 की औसत थी पर ओवर में। अब देखते हैं कि क्या होता है। कारी हमीद लाए दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और खेलना चाहते थे यकीनन। दो रन मिले, 13 रन, तीन रन लेने में कामयाब हुए। असद ने तीसरा बहुत ही डेंजर रन लिया, यहाँ पर 14 रन आ चुके हैं। अगर एक छोटी बाउंड्री भी लगती है, चौका भी लगता है तो औसत के बराबर रन ले लिया इन्होंने। 14 रन आ चुके हैं इस वक्त तक। हम बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत का भी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए खूबसूरत ग्राउंड स्टेडियम हमें इस ग्राउंड इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल फ्री मोहिया। भाई हमीदुल्ला एक बार फिर अपने लाइनअप पर तैयार आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बेहतरीन ड्राइव लगाने में कामयाब हुआ, मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुआ, सीधा गेंद गई घर पे यकीनन। और इसके साथ ही 6 गेंदों पर 18 रन बाकी, सुपर बोल का भी आना है बाकी, कौन जीतता है कौन हारता है कुछ है पता नहीं। आसिफ मसूद उनको समझाने आए अपने दोनों बल्लेबाजों को, सुपर बॉल है बाकी, सुपर बॉल है बाकी, सुपर बॉल ऐसी बॉल है कि वो मैच का रुख ही बदल सकती है। अगर पहली बॉल पे लें छक्का लगे तो 12 रन आ जाएंगे, 6 रन रह जाएंगे, अगर चौका लगता है 8 रन आ जाएंगे, 10 रन रह जाएंगे। अब बहरहाल देखते हैं कि किस सिचुएशन पर लेते हैं सुपर बॉल। और हमारे चीफ गेस्ट ने आते आते ही कॉमेडी के लिए ऐलान कर दिया है, 20,000 रुपया कैश कॉमेडी के लिए सनाउल्ला मरी की जानिब से, सनाउल्ला मरी की जानिब से कमेटी के लिए 20,000 रुपए का ऐलान किया है। कैमरामैन खास खैली की जानिब से 50,000 रुपए का कमेटी के लिए ऐलान किया गया है, कमेटी के लिए इनामात की प्रचार हो रही है इस वक्त, कोई 20,000 कोई 50,000 कोई 30,000, तो यकीनन कमेटी इस वक्त बहुत ही खुश होगी, अकरम का बोल बहुत ही यकीनन खुश होंगे। और साकिब इस मैच के ओवर साकिब भाई की जानिब से कॉमेडी के लिए 50,000 के कैश प्राइज, और शेरवानी स्पोर्ट्स के ओनर किरण एसएस शेरवानी के ओनर एसएस शेरवानी की जानिब से कॉमेडी के लिए 30,000 रुपए का इनाम। बहुत बड़े इनाम लिए हमारे बहुत बड़े शख्सियात ये भी एक चांस है यकीन भाई कि सुपर बॉल पे भी आप जो है यहाँ पर रन ले सकते हैं, क्योंकि अगर छक्का लगेगा तो 12 रन मिलेंगे, जब चौका लगेगा तो 8 रन मिलेंगे, 2 रन बनेंगे तो 4 रन मिलेंगे, तो ये एक बात और आउट होंगे तो दोनों आउट होंगे। वाह मीरू का थोड़ा है इस वक्त बॉलिंग के निशान पर तैयार, अपने कोटे का पहला ओवर टीम का आखिरी ओवर कराने के लिए आए, जबकि 18 रन है दरकार, सुपर बॉल का आना है बाकी,
देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या बताता है हमको, कौन जीतता है कौन हारता है। वीरू काटो और अपने लाइन अप बताया, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और एक रन लेने में कामयाब हुए। देखना पड़ेगा, एक ही रन पर इत्तेफाक किया असद ने। 5 गेंदे 17 रन बाकी, सुपर बॉल लगाना बाकी, 5 गेंदे 17 रन। अकबर पठान स्ट्राइकर मौजूद, काफी जिम्मेदारी। मौसम शदीद खराब हो रहा है, 5 गेंदे अल्लाह खैरियत से करा दे, उसके बाद अगर बारिश बरसती है तो बरस जाए, क्योंकि हमें इस मैच का है इंतजार, इस मैच के रिजल्ट का है इंतजार, बहुत ही सनसनीखेज मैच, इसके रिजल्ट का इंतजार। मीरू आए, दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला अनवर ने, बीट हुए एक रन और दूसरा रन फिर बीट हुए, यकीनन देखना पड़ेगा। चार गेंदों पर 15 रन दरकार, सुपर बॉल का आना है बाकी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है। मुश्किल जरूर पर नामुमकिन नहीं दोनों टीमों के लिए, जो चकेल पेश करेगी वो इंशाल्लाह विन करेगी। मीरू आदोलन साठ गेंद पर को क्रॉस किया और अनवर पठान की जानेब से बुलंदो पाला मैक्सिमम लॉन्च करने में कामयाब हुए, 9 रन दरकार। सुपर बॉल है, एक बार फिर आए दौड़ने स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला बिल्डर है, नीचे देखना पड़ेगा। सुपर बॉल का आना है बाकी, 2 गेंदे 8 रन। मीरू आए दौड़ना स्टार्ट किया, एम्पायर को क्रॉस किया और मैक्सिमम लगाने में कामयाब हुए असद, 1 गेंद पर 2 रन दरकार, सुपर बॉल। आखिरी बॉल जब भी सुपर बॉल, अगर 1 रन भी लेते हैं तो यकीनन विन कर जाएगी। बहुत ही सनसनीखेज मराइल में मैच दाखिल हो चुका है सुपर बॉल, अगर 1 रन भी मिलता है तो 2 में काउंट होगा। 1 रन नहीं नहीं एम्पायर, 2 रन चाहिए, 2 इस वक्त जो है अब सिर्फ और सिर्फ 2 रन दरकार आ रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। असद काचिल होने का अब छक्का लगाकर अपनी टीम को बहुत जीत के करीब ला चुके हैं और अब 2 गेंदों में 2 रन सुपर बॉल। 1 रन अगर जीत का विकेट हासिल करते हैं तो यकीन कोई स्टार स्पोर्ट इस मैच का विनर होगा, अगर विकेट लेने में कामयाब होते हैं वीर मोहम्मद काठोर तो यकीन यहाँ पर साकिब स्पोर्ट्स विनर होगा। कारी साहब ने अपनी टीम को यकीन यहाँ पर टिप्स एक बॉल 2 रन सुपर बॉल बाकी, अगर आउट होते हैं तो यकीनन साकिब स्पोर्ट यह मैच विन कर जाएगी, अगर 1 रन भी लेती है कोहिस्तान स्पोर्ट्स की टीम तो कोहिस्तान स्पोर्ट्स की टीम विन कर जाएगी। अब तो ये 1 गेंद के बाद ही पता चलेगा, हम काफी देर से इंतजार में कि ये मैच कौन विन करेगा। अच्छा एक गेंद हमारे स्कोर बोर्ड में बताया कि 1 गेंद 2 रन तो सुपर बॉल है, बड़ा ही मुकाबला आया और 25 पे ना रहा अगर मीर मोहम्मद
अपने बीपी टीम को दोनों आउट हो जाएगा और मैच चला जाएगा साथ ही विश्वास के गले में। और यहाँ पर अगर सिंगल लेते हैं असद तो फिर दो रन हो जाएंगे। मीरू आए दौड़ने स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया और ये मैच विन कर गई है। इस एडिशन का पहला विन बोलिस्तान स्पोर्ट्स के नाम। इस वक्त आप जश्न देख सकते हैं, कैसा जश्न मना रही है बोलिस्तान की टीम। सारे प्लेयर आ चुके हैं, दाद दे रहे हैं अनवर पठान को और असद को। यकीनन ये मैच विन कर चुकी है कोहिस्तान स्पोर्ट्स की टीम। और पीर के दिन दो मैच खेले जाएंगे और अपडेट खान स्पोर्ट्स और कबोल किंग के पेज पर अपडेट हो जाएगी कि किस किस के मैच हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको वहां से पता चल जाएगा। खान स्पोर्ट्स JPL सीजन नंबर 8 में साकिब स्पोर्ट्स को हुई है पहली शिकस्त। पहला मैच था आज के दिन का इस इवेंट का सेरेमनी मैच था जो कि कोहिस्तान स्पोर्ट्स ने अपने नाम किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा तमाशाई आए कोहिस्तान स्पोर्ट्स के, जो कि यहाँ पे फोटोग्राफी का सीजन सेक्शन चालू है। दोनों टीमें जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए, टाइम काफी कम है। दोनों टीमें साकिब स्पोर्ट्स और कोहिस्तान स्पोर्ट्स बसेदा राश हो जाए तो उतरेगा। दोनों टीमें के काफी सारे प्लेयर से गुजारिश है कि लाइनअप हो जाए। वक्त काफी कम है, दोनों टीमें लाइनअप हो जाए। सेरेमनी होगी और सेरेमनी में आपके साथ होगी अकरम कबूल। भाई दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि टीम को लेकर आ जाए जावेद जंगी, और मैं यहाँ पर गुफरान लाला से गुजारिश है कि जल्दी टीम को लेकर आ जाए, टाइम काफी शॉर्ट है हमारे पास। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि टीम को लेकर आ जाए, टाइम काफी शॉर्ट है। जावेद जंगी और गुफरान लाला। मजीद कबूल चेक लेकर आ जाओ। उफरान अब ये तरीके का नहीं है, मैं फाइन लगा दूंगा टीम को लेकर आ जाए। आप कप्तान हो, आप बैठ गए हो यार, एक तरफ एक टीम हो जाए दूसरी तरफ दूसरा टीम। और इम्तियाज जावेद जंगी टीम को लेकर आ जाए। जावेद जंगी देख रहे यार, स्टार भी नहीं दिए इसको, देख कैसे लोग स्टार भी नहीं दिए भाई। स्टार भेजो यार इसके लिए, क्या नाम है इसका, क्या नाम है नसीब के लिए यार स्टार भेजो। 280 रुपए का एक स्टार कितने चाहिए? भाई दोस्तों जितने ज्यादा स्टार होगा उतनी आपकी हमें सपोर्ट मिलेगी, आपकी सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अच्छा से अच्छा काम और मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते। शुक्रिया। और जो स्टार होंगे लाइव सारे देख रहे हैं वो 80 के होंगे क्योंकि ये चला रहा है लाइव अक्रम से। जो भी हमें ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजेगा हम उसका नाम लिख देंगे और फाइनल में इंशाल्लाह उसके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा हसी भाई की तरफ से, वो फाइनल में जरूर लेना। बिल्कुल
के बाद फूल पहनाएंगे यहाँ पर फतेह भाई को वजीर को भरपूर तालियां फतेह भाई के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे आज के जो कमेंटेटर थे उन तमाम कमेंटेटर के लिए 1,000 रुपए का कैश प्राइज है कमेटी के जानिब से। आज सबसे पहले हसीब आ जाओ हसीब। नोट के सिद्धो करवा थोड़ो देखो को रही इधर देखो नोट के सिद्धो क्यों। हाँ ये अकरम भाई असल मंजे जे हिकड़े अल्फाज भी गाला उन्हें लाए 2,000 रुपये ₹100 मिला शरी असलम पालानी आ गए हम साथी कमेंटेटर इनकी और इंग्लिश के बेहतरीन कमेंटेटर असलम पालानी असलम नोट के सिद्धो कर तो कह दे आजम के ओके असद असद दोस्तों मान असद भाई क्या भी आए ना यहाँ वीडियो आ रहा है 10,000 रुपये वसीम बैंगल यहाँ पर आ जाए वसीम भाई कैमरामैन बिलाल भाई आज पूरे देश की जगह पुलिस इनके पास है स्कोरर स्कोर बोर्ड यहाँ पर आ जाए स्कोरर कौन स्कोरर चलो यार फोटो निकालो यार केफ मेंगल लेकिन आज दो विकेट लिए बेहतरीन बॉलिंग केफ मेंगल तालियां तो बजाएं यार बॉलिंग जीते केफ ने आज जरूर अपनी टीम को जीत के लिए बचाया जाओ अच्छी आ गई अचानक से बल्ला दे दो यार अकरम का बेटा कोको ने इसका जो बल्ला है वो गिफ्ट करेंगे अकरम भाई उमर मरी यहाँ पर आ जाए उमर मरी हमारे बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है नूर लेवल के जो कि इस वक्त निगरानी कर रहे हैं पाकिस्तान की वो इनाम वाला कहाँ गया भैया ने कैफ के लिए कोई ऐलान किया था किसी ने भाई 1,000 रुपये ऐलान किया है आप उनसे दे सकते हैं बेस्ट परफॉर्मर रजा है कौन है रजा चांडियो बेस्ट परफॉर्मर वो भाग गया होगा बना थोड़ा सही मैच का आज के मैच के बेस्ट परफॉर्मर है बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए रजा साकिब स्पोर्ट्स के रजा दे भरपूर तालियां रजा खान के लिए रजा चले भाई बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड अभी रजा नहीं है तो मैंने आप मैच दे दे उसको इतबार नहीं था बारिश का सीन 1,280 रुपए के हिसाब से $6 आ गए अभी बाकी तेरे रह गए $3 आ गए भाई तेरे यार अंदर आ बस बात मेरा आंटी बोले तुझे को लगा ना मुझे तो खास लगे आज के मैच के मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो काफी अच्छे यहाँ पर सबसे पहले मैन ऑफ द मैच से पहले बुलाना चाहूंगा लूजर टीम के कप्तान आ जाए भरपूर तालियां जावेद जग्गी
बात ही नहीं कर सकता। कारी साहब आज आपका पहला मुकाबला था, क्या लगता है कहां पर गलतियां की? आज एक बेहतरीन मुकाबला था, शुरू में जिस तरह कैफ ने बोलिंग की, एक टाइम ऐसा आया था कि ऐसे लग रहा था कि ये मैच 15 से 20 रन के मार्जिन से साकेत स्पोर्ट्स की टीम जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद एकदम एक छह बॉलों पर 17 रन बन गए। क्या करेंगे, मैच के चेंजिंग पॉइंट कहां पर था? क्या लगता है कि साकेत स्पोर्ट्स के हाथ से मैच कहां से निकला? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त आप करा रहे हैं। दूसरा ये कि जितने बड़े टीम के लिए कैप्टन बन गए, बहुत ही जबरदस्त कैप्टन बहुत होते हैं। हमारे दो पास बोलर जो है इनके जबीउल्लाह जो थे और उनके साथ जो है तूफान में थे, उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और फिर कैप्टन बन रहे हैं। ऐसे फायदे मैंने उठाया करो और उस बच्चे के लिए हमारी टीम में जो है दो परफॉर्मर है, जिसमें एक बच्चा है उसने शानदार बॉलिंग की और रजा ने बहुत शानदार बैटिंग की है। तो बहुत ज़बरदस्त मैच खेला लास्ट टाइम में अपना क्या नाम है उसका अनवर पठान हो गया, ये सईद मसूद हो गया, बहुत लास्ट की बैटिंग की, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और फिर एक तीसरी बार तो इनका बैटिंग कर लें। और फर्क ये था हमारी टीम ने आसिफ ने जिस तरीके से स्टार्ट दिया, जो एक दो मैच जो उसका भी फायदा उठाया, तो एक मतलब फिर मुबारकबाद दूंगा आपको भी सबको भी। वेलकम, शुक्रिया कारी साहब। तो आपको बुलाना चाहूंगा विनर टीम के कप्तान आ गए, भरपूर तालियां। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक को, आपकी टीम के एक कामी लेफ्टी भी आज आपके मैच में अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद आपने मैच विन किया है, तो अब उसके बाद भी दो मैचेस आना बाकी है, क्या कहेंगे, कहां पर गलतियां की, उनको दुरुस्त करने की जरूरत होगी, और क्या कहेंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस के बारे में? इसको तो छोड़ रहे शुक्रिया। तो थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो अब आज के मैच की बात की जाए तो सनाउल्ला भाई से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा नजदीक आ जाए। सनाउल्ला मरी आज के हमारे मैच के चीफ गेस्ट भी है। तो मैन ऑफ द मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, कोस्टान स्पोर्ट्स के तीन परफॉर्मर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस से काफी मैच विन करने में मदद मिला कोस्टान स्पोर्ट्स को। लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच के असल हकदार 11 बोले 49 आसिफ मसूद, भरपूर तालियां। अकरम मेहमान आ देखा सर, पैसे थे यहाँ पर रहा। आज के हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है सर, आप काफी दूर से आए हैं, तो आज का मुकाबला देखा है आपने, शुरू से पहले बोल से आखिर तक देखा है, क्या कहेंगे दोनों टीमों के बारे में और इस इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर, क्योंकि नौजवानों को खेल का फरोग देने में आपने जो किरदार अदा कर रही है, आप मेहमान में बहुत असर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे ही छोटे लेवल पे थैंक यू। अब शर्ट का तोहफा पेश करेंगे हमारी साहब को।
डबोल किंग का शर्ट यहाँ पर तोहफे में दे रहे हैं सनामणि को। 10 नंबर की जर्सी ये एनसीपुरी नाम लिखा हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सनामणि साहब का भरपूर सपोर्ट हो गया इस टूर्नामेंट में। आज का प्रोग्राम यही का अख्ताम होगी तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, शब बख़ैर। तो हफ्ता इतवार को रेस्ट है और तीन वाले दिन से दो मैचेस के साथ आपको दोबारा मंडे से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।